बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं, बाद में हम फुटबॉल की PSL के ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी बहुत, जो उसकी आज ड्राफ्ट कैटेगरी का शो हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम क्रिकेट पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। कल से पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया पर्थ में शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान ने एज़ यूजल अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। उसके अंदर देखा जाए तो खुर्रम शहजाद आमिर जमाल को डाला गया है स्क्वाड के अंदर, यानी कि प्लेइंग 11 के अंदर। ये तो हमने सिनेरियो बना लिया है कि जब 2021 का वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप, सप्लाई मुश्ताक हमारे कोच थे उस टाइम, मैथ्यू हाइडन थे, वेलम फिलेंडर थे, मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे, तो एक दिन पहले ये अनाउंस कर दिया करते थे टीम। अब उसी हिसाब टकर पर चल रही है माशाल्लाह से हमारी टीम, जो है कोई कर जाए थोड़ा सा हिट हो जाए या फार्मूला समझ आए तो सारे उसी टक्कर पे लग जाते हैं। एक दिन पहले स्क्वाड का अनाउंस कर दिया, यानी वैसे कोई बात नहीं कर दिया अनाउंस, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद की जगह अगर मोहम्मद वसीम जूनियर और मीर हमजा को मौका दिया जाता ज़्यादा बेहतर था। वन ऑफ द आपको बेस्ट एग्जाम्पल है, आप मीर हमजा की परफॉर्मेंस देख लें डोमेस्टिक के अंदर, कैडेट ट्रॉफी में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, लास्ट PSL के अंदर उसकी परफॉर्मेंस देख लें। उस पर आज मोहम्मद वसीम जूनियर की हम बात कर लें, वो लास्ट 3 to 4 ईयर से कंसिस्टेंसी टीम के साथ है और उसने वर्ल्ड कप में लास्ट 3 to 4 मैचेस हमने उसे खिलाए हैं। ही परफॉर्म वेरी वेल एज ए बॉलर, उसने शो कराया है कि आप लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, आप लोगों ने टीम से बाहर क्यों रखे। लेकिन हमारी टीम को आज तक ये समझ नहीं है, हमारी मैनेजमेंट को आज तक ये समझ नहीं है कि आप हम क्यों अपनी पसंद नापसंद के ऊपर चल रहे हैं। अभी स्टिल हम पसंद लाइकिंग डिसलाइकिंग इसके ऊपर कहानी चल रही है। अगर देखा जाए, अगर वो वार्म अप के मैच बेस पे लेके आ रहे हैं टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो वार्म अप मैच नहीं था, वो लिस्ट का मैच था, उसे डोमेस्टिक लिस्ट का मैच में शामिल किया गया है, वार्म अप मैच नहीं था। उसी जो ट्रॉफी थी वो सुरमा दानी की तरह वैसे तो नहीं रखी गई थी, जो जीतेगा उसे मिलेगा। अगर वार्म अप मैच होता तो ट्रॉफी ना रखी जाती, डेफिनेटली बात है लिस्ट का मैच जो कैटेगरी थी। और माशाल्लाह टीपी का स्लो पिच थी, देखिए पाकिस्तान ने 115-120 ओवर खेले, 300 प्लस स्कोर किया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया उधर से उनकी जो टीम थी उसने जो बॉलिंग की उसने माशाल्लाह से उन लोगों पाकिस्तान ने 140 प्लस ओवर्स कर दिए पकड़ के, और स्कोर देख उन्होंने कितना किया है। 3 दिन वो मैच चला, 14 दिन स्टॉर्म आ गए जिसकी वजह से मैच नहीं हो सका। लेकिन आप ये देख रहे हैं कितनी स्लो पिच बनाई थी, उसका एहसास तब हुआ जब नजर आई स्लो पिच इतनी क्यों है, जब आप सेकेंड जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई पाकिस्तान ने शो शकील को आजमा दिया, बाबर आजम किसी को नहीं छोड़ा, सब ने बॉलिंग कराई, सब ने बॉलिंग करी, मार सवाए शाम मसूद गए और जो हमारा कीपर था सरफराज अहमद, सब ने पूरी तकरीबन पूरी टीम ने बॉलिंग करा दी। इस मीन पिच सही नहीं थी, पिच साउथ एशियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से नहीं, ये तो वो इन्वायरमेंट हमें क्रिएट किया गया था जो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारी इधर साउथ एशियन की पिचेज हैं। लेकिन डेफिनेटली बात है हमारे किसी बोर्ड ने कोई इतराज़ नहीं किया, करना भी जगह वार्म अप मैच होना चाहिए था वार्म अप, लेकिन नहीं कि वार्म अप मैच होना चाहिए था, लेकिन वार्म मैच में आप सब प्लेयर्स को 15 प्लेयर्स को आप आजमा सकते हैं, 16 प्लेयर्स को आप आजमा सकते हैं, कोई बॉलिंग करने आ जाएगा, कोई फील्डिंग करने आ जाएगा, कोई बैटिंग करने आ जाएगा, लेकिन इसे लिस्ट से एक मैच दिया गया था, तो इसमें जो स्क्वाड आपने अनाउंस किया था वही स्क्वाड आपको खेलेगा। हमारे बोर्ड बिल्कुल नहीं बोला, हफीज में थोड़ा एग्री पोजिशन हो किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2-3 दिन पहले, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, यानी ये ना अगर फिर यही अगर पिचेस साउथ एशियन कॉन्टिनेंट हमारे सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर इंडिया स्पिन विकेट बना दे, पाकिस्तान स्पिन विकेट बना दे, या पाकिस्तान अपने हिसाब से विकेट बनाए, इंडिया अपने हिसाब से विकेट बनाए, बांग्लादेश अपने हिसाब से विकेट, फिर ये जो इंग्लिश मीडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया मीडिया हो गया, ये चीखे मारते हैं कि इन्होंने क्या पिच बना दी है, इन्होंने तो अपने फायदे के लिए पिच बनाई थी, हमें हराने के लिए पिच बनाई गई थी, हमें फंसाने के लिए पिच बनाई गई थी। फिर आप लोग भी तो अपने लिए पिच बना रहे हो। वार्म अप मैच जो वार्म अप मैच रखा जाता है, चाहे आपने पीछे डोमेस्टिक मैच से करार दे दिया,
इसे रखा जाता है कि टीम वहां पहुंचे 2-3 हफ्ते पहले, वहां के इन्वायरमेंट से अमांगी हो जाए, पिच इन्वायरमेंट से उसकी अमांगी हो जाए, वहाँ जब बाउंसी विकेट भी खेलेगी उसे वहाँ के कंडीशन का पता रहेगा, थोड़ा नो हाउ होगा उन्हें, थोड़ा अपनी जो वीकनेस है उसका पता लगेगा कि बाउंसी पिच पे हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन उन्होंने ऐसे जैसे कुछ नहीं किया माशाल्लाह से। ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने ऐसी गंदी पिच पे आपको लिसे का मैच करा दी, खिला दिया कि आप लोग बोलो तो सही, कम अज़ कम इतराज़ तो करो। कोई बोला भी कोई नहीं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा बहुत हफीज ने शो किया है। अब पर्थ के अंदर मैच है, मुझे नहीं समझ आती कि आमिर जमाल और कुरम शिरा तो क्यों खिलाया जाता है, हालांकि जगह नहीं बनती थी, इससे जगह खिलाते तो आप मीर रमजान में फिर दबागा, मीर रमजान मोहम्मद सिंह जूनियर की जगह बनती थी। एनी अब तो स्ट्राइक उन्होंने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है पाकिस्तान की टीम ने, उनकी मर्जी है, वो खिलाने वाले हैं, वही बिठाने वाले हैं, मैनेजमेंट की मर्जी है, देखते हैं क्या बनता है पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता इस जो टीम है ना, इससे नहीं मुझे लगता आप ऑस्ट्रेलिया के 20 आउट कर पाएंगे इस मैच के अंदर। इस मैच में आप, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के आप 20 आउट कर पाएंगे इस बॉलिंग के साथ, आप ऑस्ट्रेलिया के 20 आउट नहीं कर पाएंगे। ये आपको मैं बार बार वीलॉग कह रहा हूँ, जितने भी लोग सुन रहे होंगे, पाकिस्तान इस बॉलिंग अटैक के साथ ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी आउट नहीं कर सकता। इट मीन्स 2 इनिंग्स आप उन्हें आउट नहीं कर सकते। हाँ वो आपको आउट कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं आउट कर सकते इस बॉलिंग के ऊपर। एनीवेज देखते हैं क्या बनता है। फुटबॉल के ऊपर बात कर लेते हैं, लास्ट चैंपियंस लीग का मैच है, मैन्यू बचारी टाटा बाय बाय खत्म, बाय बाय दुनिया खत्म, सब कुछ खत्म, टाटा। मैन्यू रात हार गई बायर म्यूनिख से, कोमैन ने गोल किया 71वें मिनट में, और बहुत ही बुरा दिन मैन्यू के लिए, बहुत ही बुरा साल एज यूजल मैन्यू के लिए गुजर रहा है और गुजरेगा आगे भी। मैन्यू फैन बहुत ज़्यादा छोड़े थे, बहुत खुश थे, हमारा ये टैंग हैरी टैंग आ गया, ये कमाल का कोच है, ये स्टार लड़के क्या समीरो ब्रूनो रैशफोर्ड हॉजलैंड ये एक्सेट्रा, ये प्लेस देखना इस सीजन बड़े कमाल करेंगे। लेकिन भाई जहाँ सारे खुडे लाइन लग गए हैं, एक साइड में लगा दिए पकड़ेंगे ना, बेचारे यूरोपा के लिए क्वालिफाई कर सके, ये चैंपियंस लीग निकली तो बंदा यूरोप थर्ड पोजिशन हमारा यूरोपा लीग में जाता, वहाँ भी नहीं जा सके। लेकिन बैड लग, बहुत बुरा नसीब, भेज दे यार मैनू, मैं जिस यूनाइटेड ओनर को ना भेज देना चाहिए उसे। कतर के शेख ने भी ऑफर की है, सुदेव के शेख ने भी ऑफर की है, अरे भाई तू हमें दे दे, तो अपनी डिमांड बताओ उसके ऊपर तुझे पैसे दे देंगे। लेकिन भाईजान नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। आर्सेनल का मजाक उड़ाया करते थे मैन यू फैंस, बड़ा ट्रोल किया करते थे, फ्यू ईयर्स बैक में चले गए, चैंपियंस लीग में नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते, माशाल्लाह खुद 2-3 साल से ऐसा गंदा खेल रहे हैं, कहते हैं जैसे बातें करेंगे मुंह के आगे तो आएंगी। इसी इंसान को बड़ा बोलना ही बोलना चाहिए, बेचारे तरस आता है मैन यू वालों पर, उनके दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ। लेकिन क्या करें, मुझे खुशी हुई, आम गनर्स। उधर से लिवरपूल के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, कैसे सीबीआर चैंपियंस लीग से आउट हुआ, वो हुआ ही हुआ है, यूरोपा लीग में नहीं पहुंच सका। 7 टाइम की चैंपियन सीबीआर जो यूरोपा की कहते हैं ना कि आप यूरोपा में आगे उसकी अजीब ही रूप आ जाती है, उसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर सका यूरोपा लीग के लिए। तो लिवरपूल के लिए सुक्का सांस है, इस दफा चांस जोसे मरीनो के पास भी है, जर्गन क्लॉप के पास भी है कि ये जी सकते हैं। लेकिन अगर सीबीआई के होते हुए सीबीआई अगर नॉक्स आउट स्टेज में आ जाए तो इतना सुक्का हारती नहीं है, तो लक चलती है फिर उनकी, वो फाइनल भी जी जाते हैं। गुड लक फॉर जोसे मरीनो एंड जर्गन क्लॉप, अब इन दोनों का फाइनल देखने को मिलेगा, यानी कि रोमा वर्सेस लिवरपूल यूरोपा लीग का फाइनल, देखते हैं क्या बनता है। पीएसएल के ड्राफ्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, पीएसएल का ड्राफ्ट चल रहा था, मुल्तान सुल्तान ने अभी तक अच्छी साइनिंग्स की हैं, अच्छे प्लेयर दिए हैं, डेविड विली हो गया, डेविड मलान हो गया, रेजिया हैंड्रिक्स हो गया, ऋषि टॉपली हो गया, तैयब ताही शाह नवाज दानी, ये अच्छे उन्होंने प्लेयर्स कुछ रिटेन किए हैं, कुछ लिए हैं, एक अच्छी चीज़ है मुल्तान सुल्तान की। लेकिन मुझे ना थोड़ा इख्तलाफ है पीएसएल की ड्राफ्टिंग के अंदर। आप लोग ना मोस्टली हो गया तो हर किसी घर में डिश टीवी लगा होगा, केबल टीवी लगा होगा,
19 दिसंबर को ना IFL की ना IPL की ड्राफ्टिंग सेरेमनी होनी है, उस सेरेमनी को इस सेरेमनी को चेक कीजिए कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है, और वहाँ का एनवायरनमेंट चेक कीजिएगा, यहाँ का एनवायरनमेंट चेक कीजिएगा, और वहाँ किस तरह फाइट की जाती है प्लेयर्स के लिए IPL के अंदर, ये आप देखिएगा। ज़्यादा पैसे देने पड़े ना, वो कहते हैं भाई प्लेयर नहीं हमने जाने देना यहाँ से, क्योंकि तो अपोजिशन भी पैसा लगाती है, वो भी पैसा लगाते हैं कि नहीं यार मुझे, मैंने थोड़ी सी देखी है, दिल तो गया यार, क्या कहूँ मैं इन्हें। कभी आप काइंडली ना IPL की ड्राफ्टिंग सेरेमनी देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि यार क्या फ़र्क है IPL की कैटेगरी में और पाकिस्तान PSL की कैटेगरी में। वो जो जैनब अब्बास उर्दू में स्टेज पर बोल रही है, बैक ऑफ द स्टेज हमारे एक एंकर हैं स्पोर्ट्स के जो हैं, वह दो मिनट के लिए बुला लेते हैं, भाई आफ्टर द मैच ये कर लो, जिसका जिसका जो हमारा इंटरव्यू करना कर लो, या बिफोर सेरेमनी कर लो, आफ्टर सेरेमनी कर लो, यानी कि 76 सेकंड वहाँ मिलते थे, 76 सेकंड बाद भी वो बेचारा क्या बात है, पहले तो वो खुद ही माशाल्लाह से बोलता रहता था, वहाँ जो स्पोर्ट्स के एंकर है जो रूज जो जैनब के साथ बैक स्टेज पर कॉन्टेक्ट में था, इतने में वो बात दूसरा शुरू होने लगा था, तो भाईजान चलते हैं हम जैनब के पास चलते हैं, उन्हें जैनब माशाल्लाह से, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, ऐसी नहीं होनी चाहिए ड्राफ्टिंग यार, फाइटिंग होनी चाहिए प्लेयर्स के लिए कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। उधर से लॉक रन लगे देख लो, मजबूर हुआ आज़ाद कश्मीर का ये लड़का, वो सवाद का ये लड़का, सारे यानी कि ना बात कर रहे हैं हमने उसे यहाँ सेलेक्ट किया, उसके लिए पीछे ये हुआ ये हुआ, तो क्या कहानी सुना रहे यार तुम, कहो हम इस लड़के को परचेज कर रहे हैं, हम ये पैसे देंगे, ये मुझे समझ नहीं, डायमंड कैटेगरी, प्लाटिनियम कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी, यार खुल के लगाओ पैसा यार, इतना डोमेस्टिक में तुम पैसा फेंक दो, पीएस का इतना पैसा फेंक दो कि लड़के हमारे लीग खेलने ही ना जाए। मैं आज भी कहूँगा अगर आप 1-1.5 करोड़ रुपया देते हो ना तो कोई नहीं, आप कम से कम 3-4 करोड़ रुपया दो ये लड़के को, ताकि वो अगली तरफ जाए ना, किसी और डोमेस्टिक की तरफ जाए ना, किसी और लीग की तरफ जाए ना, उसे अपने मुल्क में IPL वाला अगर कैटेगरी बना लेना सिनेरियो तो बेहतरीन रहेगा आपका। एनीवेज आप लोगों की मर्जी, PCB की मर्जी है, कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर अपने कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।